हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे आर्यन बुटीक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम फाइनली आपको बताने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग, जो कि अस्तर मेरा 90 सेंटीमीटर है और फैब्रिक हमारा रखा हुआ है। तो इन साड़ी से कटा हुआ ब्लाउज है। ओके, तो सबसे पहले हम दोस्तों करेंगे कटिंग अस्तर पे, उसके बाद दिखाएंगे हम इसको कटिंग करके फैब्रिक के ऊपर रख के काटेंगे। तो ये हमारा 90 सेंटीमीटर दोस्तों फैब्रिक है अस्तर, और ये हमारा साड़ी से निकला हुआ कपड़ा है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट हमारा है 13 इंच लंबाई है, 30 इंच सीना, 25 इंच इसकी कमर है और 10 इंच इसकी मोरी, 9.5 इंच वो 10 इंच इसकी बाजू की लंबाई और 9.5 इंच इसकी मोरी है, और चौकोर गला इसमें हमें बनाना है। तो दोस्तों, हमारी इसमें 3 इंच ऐड करेंगे सीना पे, तो ये 16.5 इंच हो जाएगा। और 25 जो कमर होती है ब्लाउज की, कमर में कोई हम लूजिंग नहीं देते हैं, तो फिर हमारी ये 12.5 इसकी कमर हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें 3 इंच ऐड करते हैं सीना, जो मैजे बॉडी से नाप लेते हैं दोस्तों, तो उसमें हम 3 इंच ऐड करते हैं, और ब्लाउज से जो नाप लेते हैं वो परफेक्ट नाप होता है, तो उसमें हम कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है। यानी 3 इंच जब ऐड हम करेंगे तो ये 33 इंच मेरा हो जाएगा, 33 का आधा होता है 16.5, और 25 ये है, 25 का आधा कमर हो गई है 12.5। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं स्टार्ट वीडियो को आगे। ये दोस्तों, हमने बॉडी का नाप लिया हुआ है, इसमें जो हमने बताया है सब टोटल बॉडी का नाप है, इसमें उसी हिसाब से अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो दोस्तों, अब हम बिछा लेते हैं इसमें अस्तर, जैसे कि लाइनिंग भी बोलते हैं, इसको हम बिछाएंगे 11 इंच। अगर ज़्यादा सीना होता है तो दोस्तों 12 भी बिछाते हैं, 13 भी बिछाते हैं, इसको हम कम सीना है इसमें। ग्यारह इंच बिछाएंगे। तो दोस्तों, इसमें 11 इंच हम बिछा चुके हैं, इसे लाइनिंग को सही कर ले रहे हैं हाथ की मदद से, हाथ लगा के, जिसकी जैसे कि इसमें कोई सकड़न वगैरह ना रहे कपड़े में। तो दोस्तों, हमने इसके लिया एक स्केल, एक फुट्टा जो है फुट्टा, एक फुट्टा के बराबर इसमें मार्जिन हम छोड़ देंगे। ये ब्लाउज दे दो हमको। कौन सी? एक फुट्टा मार्जिन दोस्तों नीचे छोड़ देंगे हम, ये हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, जिसमें हमें दोस्तों तीरा भी लगाना है। तो तीरा के लिए हम पहले लंबाई का हो गया 13, और 1 इंच इसमें मार्जिन हो गया 14, और 0.5 इंच का इसमें तीरा का रखते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। इतना हम लगा लेते हैं ऊपर निशान, 14.5 पे हमारा टोटल सब हो गया, 1.5 इंच इसमें मार्जिन हो गया, लंबाई का लग गया 14.5 पे। अब हम आर्महोल का लगाएंगे 6.25 पर। ऐसा होता है कि दोस्तों, जैसे कोई पतला होता है ना, तो उसका आर्महोल थोड़ा हमें बड़ा काटना पड़ता है, और थोड़ा मोटा होता है तो उसका आर्महोल थोड़ा हल्का कम ही काटना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो आर्महोल की लंबाई है ना, उसमें उसकी फिटिंग में बढ़ जाती है। ये मैंने 6.25 पे लगा लिया, और दूसरा हम कमर का निशान लगाएंगे 9.5 पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम 9.5 पे लगाएंगे, ये हमने 9.5 पे लगाया दोस्तों। अब स्केल की मदद से इसको हम सीधा करेंगे निशानों को। ये हम सीधा कर ले रहे हैं, ये हमारे फाइनल निशान लग के रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें देने वाले हैं जो कि हम जितना काटेंगे, हम कंधी कितनी काटनी है, गला कितना काटना है, उनके निशान लगाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक रहें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें। तो हम इसकी कंधी काटने वाले हैं 5.5। ये हमने 5.5 पे निशान लगाया, और 5.5 पे नीचे वाला भी निशान लगा देंगे, आर्महोल वाला भी 5.5 पे ही। अब इसको हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से, इसको हम एक पुट्टे की मदद से इसको सीधा कर लेते हैं दोस्तों। आप भी कर सकते हैं इस तरीके से कटिंग। अब हम निशान लगाने वाले हैं गले का,
गला दोस्तों हमें रखना है 2.5 इंच, आप 3 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2.5 का रखना है। और हमें नीचे भी हम 2.5 पर निशान लगाएंगे। दोस्तों तो हम नीचे का भी निशान 2.5 पे लगाने को पहले हम आप सीधे में भी नाप सकते हो और तिरछे में भी नाप सकते हैं। तो हम इसमें गला दोस्तों 6 इंच का रखने वाले हैं। तो ये 6 इंच का निशान हमने लगाया, इसको सीधा करेंगे, ऊपर के निशान से बराबर इसके रख के सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया। अब इसमें देंगे दोस्तों गुलाई, गले की गले का शेप दे देंगे गोल का। अब दोस्तों एक निशान लगाते हैं आर्महोल में, जो कि 2 इंच, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर करके निशान लगा देंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। ये हमने दोस्तों इसमें भी गुलाई दे दी। और ये जो सीधा निशान है इस पर नहीं काटना है दोस्तों हमें, इससे थोड़ा नीचे गिरता हुआ काटेंगे। देखो आप देख सकते हैं निशान से हल्का हमने नीचे गिराते हुए निशान लगाया है। इससे हमारा परफेक्ट सही बैठेगा आर्महोल। ये हमारे निशान इतना कंप्लीट हुआ। इसको काटेंगे गले को और हल्की हम कंधी भी इसमें गिराने वाले हैं। आप कंधी गिराएंगे तो बहुत परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जितना हमने नीचे बढ़ा दिया है ना इसमें, उतना ही ऊपर से हम गिरा देंगे। इसमें 2 इंच का मार्जिन देते हैं दोस्तों कर्रे डीले के लिए। आप देख सकते हैं ये हमने 2 इंच का मार्जिन दिया है, फिटिंग हमारी इतने में आ जाएंगी। अब दोस्तों करने वाले हैं कटिंग। आप काट लेते हैं निशानों की मदद से, जैसे हमने निशान लगाए हैं। जब तक दोस्तों हम काट रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें एक प्यारा सा, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। ये हमने कटिंग कर ली है दोस्तों, अब लगाने वाले हम निशान। दोस्तों कितने पर कौन सा निशान कितने पर लगने वाला है तो ये हम बताने वाले हैं आपको। ये हम दोस्तों तीरा के लिए लंबाई छोड़ रहे हैं, इस 3 इंच का हमारा तीरा लगेगा। और ये हम प्लेट डालने वाले हैं दोस्तों 2.5 इंच की, आप तिरछे में भी डाल सकते हैं। आप सीधे में डालेंगे तो 2 इंच की 2.5 इंच की पड़ेगी और तिरछे में डालेंगे तो 3 इंच की पड़ेगी। ये 3 इंच पे हमने निशान लगा लिया एक प्लेट का, तिरछे में हम डालते हैं। और एक निशान ये लगाने वाले हैं सीधा सीधा, ये हम 4.25 पे लगाएंगे। नीचे भी निशान लगा लिया हमने 4.25 का, इसको सीधा कर लेते हैं। और दोस्तों ये साइड वाला भी हम 5 इंच पे लगाने वाले हैं निशान। आप देख सकते हैं हमने 5 इंच पे निशान ये लगा दिया। अब ये तिरछा वाला है, ये 3 इंच पे लगाने वाले हैं। ये हम प्लेटों के निशान लगा रहे हैं, कौन हमारी कितनी बड़ी प्लेट पड़ेगी। अब दोस्तों इसकी चौड़ाई हम जो लगाने वाले हैं, ये प्लेट हमारी पड़ती है, जो कुछ टिप्स हैं हम आपको बता रहे हैं। ये हम दोस्तों डालेंगे करीब 1 इंच, 1/2 इंच इधर से 1/2 इंच उधर से, ये करीब 1 इंच चौड़ी हम प्लेट डालते हैं। ठीक है दोस्तों, साइड की हम डालते हैं 1 बूट की, यानी 1/2 इंच की। दोस्तों ये भी हम 1 बूट में ही डालते हैं। और ये दोस्तों हम डालते हैं पॉइंट की, यानी 0 वाली सिलाई, जैसे पॉइंट की बोलते हैं, लब की सिलाई बोलते हैं, ये लब की प्लेट पड़ेगी। तो ये चारों प्लेटें दोस्तों हमारी पड़ के रेडी हो गई हैं।
और तीरा का निशान हमने बताया है, 3 इंच छोड़ रखा है और इधर से हम छोड़ रखेंगे 2 इंच दोस्तों। अब इसको यहाँ से गुलाई देके मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कट के रेडी हो गया। अब काटने वाले हम पीछे का, तो दिखाते हैं आगे। ये हमने भी दोस्तों 11 इंच का फिर भी छा के रेडी कर लिया बैक पल्ला। पीछे का पल्ला भी दोस्तों हमने मोड़ के तैयार कर लिया अपना, उठा के इसको भी उसी ऊपर रख लेंगे। सब पहले हम दोस्तों ये देख लेंगे कि जो आगे बैक पल्ला है वो हमें 1 इंच बढ़ती काटना होता है, तो 13 माई टोटल लंबाई है, 1 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 14 पे हम निशान लगाएंगे बैक वाले पल्ले में। ये हमने 14 पे निशान लगा दिया, इसी को फ्रंट पल्ला को उठा के जो हमने निशान लगाया था ऊपर वहाँ पे मैच कर देंगे, और किनारी जो हमने तोड़ के कपड़े को मोड़ा है वहाँ से सही से मिला लेंगे। वहाँ से मिलाने के बाद दोस्तों हम अपना गले का निशान लगाएंगे, हमें सही से बिछा लेना है जिससे कि हमारा कोई उधर उधर ना हो। हमने अब आरमोल का जो निशान लगाया है वो हमने फ्रंट जो आगे का पल्ला कटा हुआ था उससे ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने लगाया है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें निशान लगाते हैं बैक पाल पल्ले में। ये हम देख सकते हैं इससे मेरा आरमोल सही परफेक्ट बैठेगा। ये आप देख सकते हैं जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमने आगे के पल्ले से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा है, ठीक है ना दोस्तों। इससे हमारे आरमोल सही से बैठता है इसीलिए हम इसको छोड़ते हैं और कोई भी सकड़न या झोल नहीं आती है इसमें। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं बैक का गला, बैक का गला हम रखेंगे दोस्तों 10 इंच का और चौकोर गला रखेंगे हम। तो ऊपर जो कंधी है कंधी से निशान लगा के 1/2 इंच ऊपर छोड़ के और 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं, आप सीधा भी नाप सकते हैं और तिरछा भी नाप सकते हैं। तो 10 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया और ये आगे वाले पल्ले को मोड़ के उस निशान को हम सीधा कर लेंगे, ये निशान लगाया था 10 इंच पर गले का। अब सीधा करने के बाद यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और स्केल को सीधा रख के लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन खींच दी, आप देख सकते हैं ये ऊपर तक ले जाके कंधे के बराबर एक लाइन जो हमने निशान लगाया था वहाँ सीधा कर देंगे। और हम इसे सही छापने के बाद ये निशान हम पूरे क्लियर कर देते हैं। अब इसको हम काट देंगे, निशान हम लगा चुके हैं बैक पल्ले के भी। तो दोस्तों इसको हम काटने वाले हैं, ये हम काट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ही आपको निशान लगाने हैं और इस तरीके से ही आपको कटिंग करनी है, तो कटिंग परफेक्ट बैठेगी आपकी। ये हमारा बैक का भी पल्ला कट गया है दोस्तों, अब दोनों पल्लों को रख देंगे ऊपर, जो एक्स्ट्रा आगे मेरा निकलेगा उसको हम छांट देंगे। ये हमारा अफ्ता जो तिरछा था वो हमने हटा दिया, अब हम रखेंगे फैब्रिक, इन पल्लों को हम फैब्रिक के ऊपर रख के फैब्रिक काटेंगे। यहाँ तक दोस्तों मेरी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है, अब तीरा हम जब भी काटेंगे जब उसके ऊपर बिछा देंगे। तो हमें अपनी बाजू भी काट लेनी है, बाजू हमारी 10 इंच की है तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम काटेंगे। डबल कपड़े में उन्होंने फोल्ड किया कपड़े को अस्तर को, और यहाँ से हम गुलाई देंगे, यहाँ से गुलाई देने के बाद अब हम लंबाई नापेंगे अपनी बाजू की। गुलाई इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी सही, जैसे कि हम आरमोल में एक्स्ट्रा छोड़ते हैं उस तरीके से इसमें भी गुलाई देते हैं, इससे हमारा सही बैठेगा। और साथ पर हमने ये निशान लगाया,
और 10 इंच की हमारी आस्तीन है और इसकी मोरी है 9.5 इंच की दोस्तों। तो हमने एक में 1 इंच एक्स्ट्रा किया, 11 इंच पे हमने निशान लगाया और ये 10.25 पे निशान लगाया दोस्तों हमने। अब स्केल की मदद से इसको सीधा करेंगे, ये हमारी स्केल है, स्केल रख के हमने सीधा इसको कर दिया। अब इसकी भी कटिंग कर देते हैं, ये हमने कटिंग कर दी अपनी बाजू की। अब इसमें गुलाई दे देंगे हम हल्की, इसमें भी दोस्तों 1/2 इंच की गुलाई दे देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें भी गुलाई दे दी, ये हमारी कटिंग परफेक्ट रेडी हो गई है। अब हम करने वाले हैं आगे, जो हमारी मोरी है इसकी बाजू की 9.5 इंच रहेगी। ये हमने कपड़े पे बिछा लिए अस्तर को, ये हम इस तरीके से ही काटेंगे जैसे हमने बिछा के रखे हैं। आप भी इस तरीके से रखें, रखा करें और काट सकते हैं इस तरीके से ही। आप देख सकते हैं कैसे हमें बिछाना है अस्तर के ऊपर, अस्तर को कपड़े के ऊपर। हमारी बाजू भी कट गई, तो हमारी ये दोनों पल्ले कट के रेडी हो गए। अब इसको काट लेते हैं, तीरा इसका अलग कर देते हैं। इसका दोस्तों हमारा तीरा भी कट गया, तो ये सारी हमारी कटिंग कट के रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आप ब्लाउज की कटिंग कर चुके हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको मेरी कटिंग समझ में आई होगी। तो अगर कटिंग मेरी समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना और चैनल